मिले बराबर हिस्सेदारी ये अभियान चलाना है। मिले बराबर हिस्सेदारी ये अभियान चलाना है, अभियान चलाना है। उम्मीदों की नई रोशनी लाई पीपीआई, मूल निवासी की जुबान पर छाई पीपीआई। उम्मीदों की नई रोशनी लाई पीपीआई, मूल निवासी की जुबान पर छाई पीपीआई। अरे आई पीपीआई, अरे आई पीपीआई। एमएटी न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ इशादुल हक और हम अभी आरा संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार रामाश्रय यादव के साथ हैं। रामाश्रय यादव पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार हैं और वहां पर लोकसभा का चुनाव 19 मई को होने वाला है। रामाश्रय यादव का जो टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आर के सिंह से है। ये वही आर के सिंह है जो गृह मंत्री रह चुके हैं और फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं, और साथ ही इनका जो दूसरे प्रतिद्वंदी है वह है सीपीआई माले के उम्मीदवार राजू यादव। तो हमारा आपके साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारा ये सवाल है कि पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार की हैसियत से आप चुनाव मैदान में कूदे, आपकी क्या तैयारी है वहां से चुनाव के सिलसिले में? वहां से हम लोग को तैयारी बहुत बढ़िया है और आरा संसदीय क्षेत्र से मैं प्रत्याशी के रूप में उतरा हूँ और पूरे वहाँ का माहौल जो है नई पार्टी को लेकर समाज में सनसनी केस की तरफ फैली हुई है और हम लोग बहुत जोर तोर से इस मिशन में लगे हुए हैं कि हम अपने संविधान को किस तरह से बचाने का काम करें और अपने संविधान को सुरक्षा देने का काम करें। और हर गली हर चौराहे पर हम लोग जाते हैं, अपने समाज को संदेश देते हैं कि हमारे संविधान को किस तरह से खतरा वो लोग कर रहे हैं और किस तरह से हम लोग संविधान को खत्म कर रहे हैं, वो बचाने का काम कर रहे हैं। तो पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का एजेंडा है भारतीय संविधान की रक्षा, क्योंकि इनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और जो दूसरी अन्य पार्टियां हैं ये संविधान विरोधी काम कर रही हैं, जिससे भारत के संविधान को खतरा है, उस संविधान को खतरा है जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा था और उस संविधान को खतरा है जिससे मूल निवासी बहुजन समाज जुड़ा है और जो इस देश के बहुसांस्कृतिक विचारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रामाश्रय यादव का यह कहना है कि ये संविधान की रक्षा के लिए चुनाव मैदान में कूदे हैं और इनकी बातों का इतना असर है कि पूरे आरा संसदीय क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। लोग ये जानना चाहते हैं कि पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने किस तरह से लोगों को वोट के लिए तैयार किया है। तो आप ये बताएं कि जो आपकी ये लड़ाई है और आप वहां से सांसद बनना चाहते हैं, सांसद बनने के बाद बहुजन समाज के लिए आपका क्या योगदान होगा? बहुजन समाज के लिए ज्यादा से ज्यादा हम लोग उस बहुजन के कल्याण के लिए जो भी हम लोग को जान जीव देना पड़ेगा इसके लिए हम लोग तैयार हैं। तो आरा संसदीय क्षेत्र का एक पुराना इतिहास रहा है, 1857 की क्रांति जो थी वहां पे उसमें आरा के लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भारत की आजादी में वहां के गरीबों ने, किसानों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उसके बाद आजादी के बाद भूपतियों के द्वारा गरीबों, पिछड़ों और दलितों पे, अनुसूचित जातियों के ऊपर काफी जो है अत्याचार हुआ है। तो इस अत्याचार की समाप्ति के लिए आपके पास क्या एजेंडा है आपकी पार्टी के पास? हमारे ये अत्याचार की समाप्ति के लिए हमारे पास वोट का एजेंडा है। हम वोट से पूरे समाज को इकट्ठा संसद में हम लोग सांसद बनेंगे और वहाँ से हम लोग अपना वोट के अधिकार से अपने समाज को सुरक्षा देंगे और जो अत्याचार हमारे समाज पर हो रहा है उस अत्याचार को हम लोग रोक लगाएंगे। तो ये रामाश्रय यादव जी की जो का जो अप्रोच है वो अप्रोच देखिए कि लोकतांत्रिक तरीके से हिंसा की समाप्ति पे ये विश्वास करते हैं। इनका मानना है कि लोकतांत्रिक रूप से लोगों की गुलबंदी होगी और उस गुलबंदी के आधार पे जो उस समाज में जो शक्तिशाली लोग हैं, जो किसानों, गरीबों के ऊपर जो जुल्म करते हैं, उस जुल्म के खिलाफ ये आवाज उठाएंगे।
पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने आपको अपना उम्मीदवार बनाया है, आपका जो एजेंडा है वो बहुजन समाज को लेकर के है, बहुजन समाज से आप क्या अपील करना चाहेंगे उन मतदाताओं से कि क्यों वो आपको वोट दे और आपको सांसद बनाए? बहुजन समाज से हम लोग ये अपील करेंगे कि हमारे संविधान को खतरा है और अपना संविधान को बचाने के लिए हम लोग हर घर घर में जाकर अपने वोटरों को, अपने समाज को हम लोग ये बताएंगे कि हम लोगों के आने वाले पीढ़ियों के आगे चल के खतरा होगा, इसलिए हम लोग को अलाउट रहना है इन मानवादियों से जो कि हमारे संविधान को हमेशा दिन पर दिन खत्म किया जा रहे हैं और कभी संविधान भी जलाया जा रहा है तो कहीं पर लोग को पीटा जा रहा है। तो किस तरह से समाज में जो शोषणवादी व्यवस्था, मनुवाद मनुवादी व्यवस्था है जिसने संविधान, भारतीय संविधान को जलाने का काम किया, और अक्सर ये खबरें आती रहती हैं कि अमुक जगह पे संविधान की प्रति जला दी गई, इसके खिलाफ आप आवाज उठा रहे हैं देश की सुरक्षा के लिए और यहाँ की जनता की सुरक्षा के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।